हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग फिर से एक नए जगह पर रेस्क्यू करने के लिए आ गए हैं। जैसा कि बताते हैं दोस्तों, हम लोग इस टाइम वाराणसी ज़िले के राजा तालाब में हैं और रेलवे लाइन के जस्ट पार ही एक ये घर है। और यहाँ पे घर वालों ने एक सांप देखा है, जैसा कि आपको सामने एक बिल दिख रहा होगा। और इसी बिल में घर वालों ने सांप देखा है और बताते हैं देखकर सांप कौन सा है दोस्तों और ख़तरनाक है कि नहीं है। उससे पहले हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा आता है, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको रतन जी तोड़वा रहे हैं और इसी के अंदर सांप है दोस्तों। तो अभी तोड़ने के बाद ही दिखेगा सांप कौन सा है। तो दोस्तों देख सकते हैं सांप को पकड़ने के लिए जो यहाँ पे पहले से ही जो ईंटे हैं उसको निकलवाया जा रहा है, क्योंकि बिना इसके निकाले बिना इसको तोड़े दोस्तों सांप को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सांप अंदर है तो आप मंत्र पढ़िए सांप बाहर निकल जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं कहते हैं कि भीम बजाओ तब सांप बाहर निकल जाएगा। ये सब दोस्तों बकवास होता है और ये एक अंधविश्वास वाली बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांप जब से दिखाई नहीं देगा तब से सांप पकड़ा नहीं जाता। तो दोस्तों सांप रतन जी को दिखाई पड़ रहा है और हम भी कैमरे से कोशिश करेंगे जल्दी आपको सांप को दिखाएं कि सांप कौन सा है। और वीडियो पर नज़रें बनाए रही दोस्तों, वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और दिखाएंगे सांप कैसे पकड़ते हैं रतन जी और कौन सा सांप है। तो दोस्तों देख सकते हैं सांप यहीं था और ये अंदर है तो दिखाने में मुश्किल हो रही है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों और बता रहा हूँ सांप कौन सा है। तो दोस्तों देख सकते हैं सांप दिख गया है और मैं बता दूं दोस्तों, यह एक चीतड़ सांप है जिसको इंग्लिश में सैंड बोआ भी कहते हैं। और ये रूबरू आपको एकदम अजगर जैसा दिखता है और ऐसा ही रसेल वाइपर होता है, लेकिन इसे आप ना रसेल वाइपर समझे ना ये अजगर का बच्चा है, बल्कि एक यह चीतड़ सांप है। और इसके बारे में बता दूं तो दोस्तों यह सांप जो है जहरीला नहीं होता है और ये अक्सर देखेंगे मिट्टी और बालू में ही रहते हैं। और ये कच्चा दीवार है पहले का बनाया हुआ और इसी में ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। और घर वाले ने बताया कि यहाँ चूहा आना जाना था तो वो लग रहा है दोस्तों कि ये चूहा को ही खाने के लिए इस बिल के अंदर गया था। और देख सकते हैं दोस्तों रतन जी इसको बाहर निकाल रहे हैं और इसकी पहचान देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लगभग 2 फीट का होता है। और जहरीला बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। तो हालांकि ये मैं इसके बारे में बता दूं, अगर ये कभी खतरा महसूस करता है या इसके आसपास रहते हैं तो ये काटता बहुत तेज़ है, तुरंत पकड़ कर काटता है। इसकी हरकतें देखकर आप डर जाएंगे, लेकिन जहरीला नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों वीडियो पे नज़रें बनाए रही है, रतन जी इसको कैसे पकड़ कर बाहर निकालते हैं और ये देखने में कैसा होता है, कैसा लगता है, इसकी क्या पहचान है। आप वीडियो देखते रहेंगे, निकलते ही आप समझ जाएंगे। तो वीडियो पे नज़रें बिल्कुल बनाए रहिए दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ईटा निकाल चुके हैं रतन जी और इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और निकलने के बाद दिखाते हैं दोस्तों ये कितना बड़ा है। और लगभग जैसा कि मैं बताया दोस्तों कि ये लगभग 2 फीट का होता है, तो इसकी साइज़ भी उतना ही लग रहा है। और बहुत लोग इसको अजगर का बच्चा देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए रतन जी इसको खींच रहे थे तो खींचने में बाहर चला गया और डर गया। और देख सकते हैं दोस्तों ये किस तरीके से दिख रहा है और कैसा इसका आकार है। और देखिए दोस्तों यही इसकी पहचान है, यही एक चीतड़ सांप है, ये जहरीला नहीं होता है, इसको सेंडबुआ भी कहते हैं। ये बहुत
फास्ट हरकत दिखाता है। तो इसको रतन जी अब पकड़ चुके हैं दोस्तों, और इसको अपने इस बोरे के अंदर डालेंगे और जल्दी लेकर चलेंगे, जंगलों में रिलीज करेंगे। उसका भी वीडियो आपको जल्दी अपलोड करके दिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, और देखते रहिए हमारे वीडियो को। तब तक आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।